सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बताऊंगा वीडियो में क्यों। और सुबह सुबह आज इतना डिफिकल्ट डे हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डे हो गया। एक आस्था एक कारण देख, इतना लेट हो जाऊंगा सोचा नहीं था, वो बताऊंगा आगे क्यों। बहुत डिफिकल्ट डे हो गया आज यहाँ फिर फ्रेंड में। तो भाई आ गया अपना डे फोर, विंटर आर्क चैलेंज का डे फोर था। और सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं था, एक तो मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया उठने में, और सबसे भाई आज तो इतना बैड दिन था मेरा, आज इतना बेकार दिन था कि मैं तीन बार पर उठाऊँ, तीन बार मैंने अलार्म ऑफ किया, देन उसके बाद उठाऊँ, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं, उसके बाद मेरे साथ वाला कोई नहीं गया, तो इतनी दिक्कत आई मुझे आज उठने में। और ये सब छोड़ो, चलो वर्कआउट करने में इतना आलस आ रहा था। और भाई बात रही आइस बात की, आइस बात में तो ऐसा दर्द कर दिया था मेरे सिर में, मतलब लेने में ही, आइस बात को लेने में ही मुझे इतनी दिक्कत हुई आज। इतना ठंडा पानी लग रहा था, जेन्युइनली बताऊँ बहुत ज़्यादा डेली से, सोचा था थोड़ा ईजी हो जाएगा डे बाई डे, पर जिस हिसाब से मुझे लगा मुश्किल होता जा रहा दिन पर दिन, जिस हिसाब से लग रहा था कि फर्स्ट डे ऐसा होगा, सेकंड डे ऐसा होगा और इजी तो चल जाएगा, उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है, तो ये दिक्कत। और डे थ्री तो मैंने डाला ही नहीं था, डे थ्री मैंने बताता हूँ आपको ट्यूज क्यों नहीं डाला था नेक्स्ट वीक, पर आज मेरा फास्ट है तो मैं बताऊँ आपको आप फास्ट में क्या यूज़ कर सकते हो, अगर आप भी ये चैलेंज फॉलो कर रहे हो या कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हो। आप समय पहले पीनट्स ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, ये सब चीज़ें ले सकते हो काफ़ी ईजीली। तो इतना ही था, चलते हैं अपना कॉलेज जाना है, तो डायरेक्टली कॉलेज चलते हैं, लाल लैपटॉप रख लेते हैं जल्दी। फिर कुछ करेंगे आगे, अपना एटीएम भी अपना कॉलेज में निकाल लेंगे जल्दी से, तो लेट्स गो। सो भाई डे थ्री की आपने वीडियो देख ली होगी, मैंने अपलोड कर दी है, और इसमें भी आपको छोटी सी क्लिप देखने को मिल जाएगी बीच में। जो डे फोर है आज हमारा, हम सुबह सुबह भाई आज इतना डिफिकल्ट डे था, तो भाई आज मैं आपको ट्रुथली बताऊं तो डे फोर मेरा इतना बैड गया है कि मैं बता नहीं सकता। जो सुबह सुबह मुझे उठना था जल्दी, वो भी मैं नहीं उठ पाया, और उठ नहीं पाया मतलब उठ गया था पर अपने टाइम से काफ़ी लेट उठा था। जैसे कि जो मैं डेली 3:20 पर उठ रहा था तो वही मैं आज 3:52 पर उठाऊँ। वर्कआउट भी कंप्लीट किया, ऐसी बात नहीं वर्कआउट कंप्लीट किया, और अभी भी मैं वर्कआउट करने ही जा रहा हूँ। सेकंड वर्कआउट मैं अपना जिम में करता हूँ, तो मैं वहीं जाऊँगा, तो भाई आपको सीधा जिम में मिलूँगा। और डे थ्री जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं एक दिन का रेस्ट लेना चाहता हूँ सोशल मीडिया से, इस वजह से मैंने वो अपलोड नहीं किया। बाकी आपको छोटी सी क्लिप देखने के लिए मिल जाएगी मेरे उस वाले ब्लॉग में, मैं आपको ऐड कर दूंगा ऊपर आई बटन पर, आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। सो इन्जॉय करो अपनी मेरी आगे की वीडियो को, और ऐसे ही शेयर करते रहो। तो जिम की तरफ चलता हूँ मैं अपना वर्कआउट करने, सो लेट्स गो गाइस। और मैं भी तगड़ा हो रहा हूँ, और आप भी तगड़े होने पर ध्यान दो, थोड़ा ही सही अपने अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन लाओ और थोड़ा सा ध्यान दो अपने। तो भाई डे थ्री तो हमारा पहले कंप्लीट हो चुका था, वीडियो मैंने डाल दी है, और डे फोर भी हमारा अच्छी तरह कंप्लीट हो चुका है, और कल का दिन भी हम इसी तरह पूरा करेंगे। फिलहाल मुझे जाकर अब अपनी आइस रखनी है जो मुझे सुबह हेल्प करेगी। ओके सो
जय श्री राम। अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो आप भी इस चैलेंज को ले सकते हैं, या किसी और चैलेंज को भी आप ले सकते हैं, पर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करते रहिए जो आपको बाद में अच्छा लगे और आपको देखकर 10 लोग उसे और सीखें। सो इसका मकसद केवल यही था इस वीडियो का, आप भी इंस्पिरेशन लें, आपको भी मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, एंड फॉलो, सब्सक्राइब एंड मोर। थैंक यू, जय श्री राम।